सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलते रहे। नियमित स्वीकृत पदों की संविदा नियुक्तियों पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि नियमित स्वीकृत पदों पर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के जरिए संविदा पर कर्मचारियों को क्यों नियुक्त किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल पहले ही इस प्रकार की जाने वाली नियुक्तियों पर आपत्ति जताई थी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल जीआरएस संतोष। कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 नवंबर 2019 को नियत की है। यह आदेश जस्टिस एमएन भंडारी व जस्टिस वीके श्रीवास्तव की बेंच ने मेसर्स एमआर टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दाखिल याचिका पर आधारित किया है। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपनी अंतरिम आदेश में सरकार को निर्देश दिया है कि यदि याची के मामले में नियमित स्वीकृत पदों पर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के जरिए संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला है तो उन पदों पर अगली सुनवाई तक संविदा पर कर्मचारी नियुक्त नहीं किए जाएंगे। याची का कहना था कि 25 अक्टूबर 2019 को बतौर सेवा प्रदाता कंपनी के उसका रजिस्ट्रेशन सरकार ने रद्द कर दिया है। याची ने सरकार के आदेश को रद्द। याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया है कि न केवल याची बल्कि अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है ताकि एक स्वरूप नियमावली बनाई जा सके और सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति में एक रूपता लाई जा सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में आया है कि नियमित स्वीकृत पदों के सापेक्ष भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के जरिए संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है। इस पर कोर्ट ने वर्ष 2006 में उमा देवी केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का संज्ञान लिया है। सरकार को तदर्थ नियुक्तियां नहीं करनी चाहिए और यह कि अगले 6 माह में तदर्थ नियुक्तियों में मुक्ति पा ली जाएंगी। उक्त आदेश का संज्ञान लेते हुए बेंच ने राज्य सरकार से पूछ लिया है कि नियमित स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं। कोर्ट ने कहा है कि जब तक स्पष्टीकरण नहीं आ जाता है याचिका के मामले में सरकार सेवा प्रदाता कंपनी के जरिए संविदा पर कर्मचारी नियुक्त नहीं करेगी। दोस्तों, यह वीडियो हमारे अधिक से अधिक संविदा कर्मियों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर यदि आप नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।